हम आ चुके हैं आज लक्ष्मण झूला और लक्ष्मण झूला के बारे में पूरी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। हम शाम के टाइम आए हैं, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं। लाइट भी लक्ष्मण झूला का जल चुका है, तो चलते हैं नीचे और यहाँ की जानकारी आपको देते हैं कि लक्ष्मण झूला कब तक खुलेगा, यहाँ पे क्या ऐसे काम आ गया है जिसके वजह से लक्ष्मण झूला को बंद कर दिया गया है। आप सबसे एक प्यारी से रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको ऋषिकेश और हरिद्वार से संबंधित काफ़ी सारे वीडियो हमारे चैनल में देखने को मिलेंगे। तो हम आ चुके हैं नीचे और यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे छड़ रखा हुआ है और यहाँ पे काम चल रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कांच का पुल बनेगा, कांच के पुल का डिटेल भी आपको दे दूंगा कि हाइट क्या होगी, कांच की मोटाई क्या होगी और ब्रिज किस तरह से बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से जो दृश्य है काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। कहा जा रहा है कि ये ब्रिज बनते तक परमानेंट अभी ये बंद रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं काम अभी भी यहाँ पे चल रहा है। कहा जा रहा है कंटिन्यू काम लगभग 2.5 से 3 साल तक चलेगा, तब जाके ये कांच का नया ब्रिज बन पाएगा। तब तक लक्ष्मण झूला बंद रहेगा। अगर आप लक्ष्मण झूला के दृश्य देखने आना चाहते हैं तो अभी जो दृश्य देख रहे हैं यह दृश्य आपको देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप अगर लक्ष्मण झूला के लिए खास तौर पर आ रहे हैं यहाँ पे तो ना आए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी और भी अगर ट्रैकिंग करने की या फिर मंदिर के दर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे आ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें, क्योंकि लक्ष्मण झूला राम झूला से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और वहाँ से केवल हम आएंगे लक्ष्मण झूला के दृश्य देखने के लिए, थोड़ी परेशानी हो सकती है। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे टेंपल है जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, तो हम इनके दर्शन करने आ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर गंगे।